हाय गाइस, वेलकम टू टॉक सेंस। आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक व्हाट्सएप मैसेज को शेड्यूल कैसे किया जा सकता है। दोस्तों, कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे हमको अपने कुछ करीबी लोग हैं या कुछ बेस्ट फ्रेंड्स हैं या अपने बॉस हैं, उनको बर्थडे विश करना होता है, लेकिन हम वो भूल जाते हैं, इसके वजह से वो लोग नाराज हो जाते हैं। तो मेरे पास आज एक ऐसा सोल्यूशन है जिसके थ्रू हम व्हाट्सएप मैसेज पहले से शेड्यूल करेंगे और उनके बर्थडे पे ये ऑटोमेटिकली उनको सेंड हो जाएगा, या आपको जब भी कोई इंपॉर्टेंट मैसेज सेंड करना होगा वो ऑटोमेटिकली सेंड हो जाएगा। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं ये कैसे किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग टॉक्सन्स। दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको प्ले स्टोर से जाके ये जो ऐप है जिसका नाम SQ एडिट है, उसको डाउनलोड कर लें आप। इसमें आप व्हाट्सएप के साथ साथ SMS और ईमेल भी शेड्यूल कर सकोगे। तो एक बार आपने डाउनलोड कर लिया है तो इसको चलिए हम ओपन करते हैं। ओपन करते ही आपको यहाँ पे एक लॉगिन स्क्रीन दिखेगा जिसपे आप या तो फेसबुक से लॉगिन कर सकोगे या फिर आप अपना एक नया अकाउंट बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे फेसबुक से लॉगिन करता हूँ और मैंने प्रीवियसली लॉगिन किया था इसलिए मुझे ये ऑप्शन दिखा रहा है, आपको अपने क्रेडेंशियल्स यहाँ पे डालने होंगे। तो ये हम यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं। तो उसके बाद की जो स्क्रीन आती है उस पर आपको ये दिखेगा, आप अपने कॉल्स शेड्यूल कर सकते हैं, SMS शेड्यूल कर सकते हैं, ईमेल्स भी शेड्यूल कर सकते हो, फेसबुक पोस्ट शेड्यूल कर सकते हो और आप साथ ही साथ अपना व्हाट्सएप भी शेड्यूल कर सकते हो, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर आज के ट्यूटोरियल में हम जानने वाले हैं। तो जैसे ही आप व्हाट्सएप पर क्लिक करोगे दोस्तों, आपको ये परमिशंस के लिए पहले पूछेगा, तो आपने परमिशंस के लिए ग्रांट कर देना चाहिए, अलाउ करना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, ये स्क्रीन पे आपको दिखेगा कि सबसे पहली चीज़ जो हमको करनी होगी वो होगी सेलेक्ट सेव व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट। यहाँ जाके सिर्फ आपको आपको जिसको भी शेड्यूल करना होगा मैसेज, उसका नाम टाइप कीजिए और उसको सेलेक्ट कर लीजिए आप। नेक्स्ट चीज़, उसको जो भी SMS आप करना चाहते हो या जो भी मैसेज आप करना चाहते हो वो यहाँ टाइप कीजिए, जैसे कि मैं अभी टाइप कर रहा हूँ हैप्पी बर्थडे। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि अगला पार्ट है वो ये है कि यहाँ पे शेड्यूल करना है हमें। तो शेड्यूल हम ये करते हैं, इसको यहाँ पे डेट सेलेक्ट करना है आपको, जो भी आप करना चाहो। मैंने यहाँ पे 31st August 2017 सेलेक्ट किया है। नेक्स्ट यहाँ पे हम टाइम सेट कर लेते हैं, लेट अस सपोज 10 इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे 10 बजे सुबह ये मैसेज इसको शेड्यूल हो जाएगा। और ये आपको यहाँ पे अगला एक ऑप्शन बहुत अच्छा देता है फ्रीक्वेंसी का। तो आप ये पूछेगा कि एक ही बार भेजना है, हर घंटे भेजना है, हर दिन भेजना है, हर वीक भेजना है या हर मंथ भेजना है। तो अभी के लिए हम इसको वंस करते हैं। और एक अगला ऑप्शन जो है आस्क मी बिफोर सेंडिंग, अगर आप इसको नो करते हो तो यहाँ पे आपको ये बोलेगा कि अगर आपका पिन या पासवर्ड पैटर्न है तो ये मैसेज सेंड ऑटोमेटिकली नहीं हो पाएंगे एंड ये व्हाट्सएप की तरफ से लिमिटेशन है। तो इसको आई अंडरस्टैंड कीजिए और इसको ऑन ही रखिएगा आप, ताकि आपको स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आ जाए आपके, अगर आपकी स्क्रीन लॉक भी हो तो। ये सब होने के बाद आपको सिर्फ यहाँ पे शेड्यूल क्लिक करना है और आपका काम हो गया। आप अभी अपने पेंडिंग जो भी काम है, जो भी पेंडिंग SMS आपने शेड्यूल किए हैं, वो यहाँ पे जाके आप इसमें देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सबसे पहले कुछ और है, एट लास्ट हमने ये जो सेलेक्ट किया था 31st August 7 PM। तो ये इस तरह से हम व्हाट्सएप के अपने मैसेजेस शेड्यूल करते हैं दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Click the subscribe button and press on the bell icon to receive more updates.